रसोड़े में कौन था? पागल है एकदम। हाँ तो क्वेश्चन क्या था? रसोड़े में कौन था? मुझे क्या पता कौन था, मैं थोड़ी ना था। लेकिन हाँ एक चीज कर सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं। तो चलो गूगल, रसोड़े में कौन था बाबू? मुझे नहीं पता। देखो ट्राई करो। अम्मा ए अम्मा। अच्छा सॉरी। तो यार देखो तुम लोग ये मत पूछो कि रसोड़े में कौन था, ये तो ऑलरेडी गोपी बहू ने बता दिया है। तुम लोग ये पूछो कि रसोड़े में जाके कुकर में से चने निकाले तो निकाले, वापस से गैस क्यों जला दिया? फालतू गैस खर्चा हो गई ना। खैर इन सब बातों को छोड़ो, आर यू रेडी फॉर मैड मंडे? मैड मंडे, हे मैड मंडे, मैड मंडे। तो चलिए देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। भाई अजय देवगन कैसे बने बता भाई। अजय देवगन बनना चाहते हो तो देखो, एक विमल लो और उसको मुंह में डालो और फिर मुंडी टेढ़ी करके बोलो, इतने रेडर से तुझे पाने की कोशिश की है कि हर डर से मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है, नहीं भूलूंगा जब तक है जान, तब तक है जान। भाई तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती है। अच्छा किससे मिलती है? याद आया, मेरे मोजे से। मेरी शक्ल मेरे मोजे से मिलती है, तुम्हारे से नहीं मिलती। भाई छींकते वक्त पाद निकला है कभी? सच बताना। हाँ भाई ये अक्सर होता है मेरे साथ, जब जोर से छींक आते तो पाद निकल ही जाता है और उसके बाद फिर आवाज कुछ ऐसी आती है, चुप चुप, पूंछ पीछे से आता है, आगे से आता है। ये रहा मैड मंडे का सवाल। साइन 1 1 2 3 इज इक्वल टू साइन थीटा बीटा टीटा, पकड़ के पीटा ना सही हो जाओगे। साला पढ़ा दिया, काम क्या आ रहा है ये? नहीं नहीं क्या काम आ रहा है, मतलब अम्मा, ए अम्मा, सारे मिलके हमको पागल बना रहे। तुम लोग को पता है मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती और इसी के चक्कर में मैंने एक फोन नहीं लिया, पता है कौन सा? ओप्पो फाइंड एक्स। कहते हैं एक्स फाइंड करो, मैंने कहा मैथ आती नहीं, जाओ लूंगा ही नहीं मैं। परसों को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्लीज बताओ। अब देखो इसको दो खंड में विभाजित करना पड़ेगा, पर और सो। पर मतलब हुआ पंख यानी कि इंग्लिश में विंग्स, और सो मतलब सो जाओ मतलब स्लिप, तो हो गया विंग्स स्लिप। हाँ विंग्स स्लिप मतलब कुछ भी। अमरीश पुरी अगर सिंगर होते तो किस तरह गाना गाते प्लीज भाई जरूर बताना। देखो यार अमरीश पुरी जी ने ऑलरेडी एक गाना गाया हुआ है, लंदन देखा पेरिस देखा और देखा जापान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। लेकिन अगर हनी सिंह का गाना गाना हो तो तू आजा मेरे क्लोज, मिलता ना मौका रोज, आई वांट टू माय बेबी, मुझे दे दे लव डोज, दे दे नहीं तो मैं ये मिसाले छोड़ दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सॉरी भाई पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मंडे ही मैड क्यों है, संडे क्यों नहीं? तो यार देखो दुनिया में ना राइमिंग नाम की भी कोई चीज होती है जिसे ढिंचक पूजा ने ब्रेड पे लगा के खा लिया है, इसीलिए उसके गाने में कोई राइम नहीं होती। तो यार बस ये राइम के लिए है, नहीं तुम ही बताओ मुझे, अभी मैं बोलूंगा मैड संडे, मैड संडे, टैनैनैनैने, अच्छा लगेगा किसी कीमत पे भी। भाई एक बार चाइनीज सॉन्ग गाओ। समझ नहीं आया ना, तो चाइनीज कौन सा समझ लोगे तुम। भाई डॉग को कुत्ता क्यों कहते हैं? तो देखो ये बात है 1870 की, जब मैं दिल्ली में रहता था तो वहां पे दो आदमी चिक्की बेचने आते थे व्हाइट कलर की, और वो लोग गाना गाते थे, इसमें सभी मसाले मिले बब बढ़िया है ये भी, बब बढ़िया है ये भी। तो मैं और मेरा दोस्त गए वहां से दो चिक्की लिए और खा लिए। जाओ यार तुम भी कुछ खाओ पियो, पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, फालतू के सवाल पूछते हो, कोई सेंस नहीं है भाई इसमें। क्या है ये डॉग को कुत्ता? भाई मेरे लिए दो लाइन बोल दो प्लीज। दो लाइन बस बोल दिया। तो आपका नाम है बादशाह, आपके लिए दो लाइन बोलनी है, बजाओ भाई म्यूजिक। केयर्स किया है चले जब तू लटक मटक, लौंडों के दिल पटक पटक, सांसे जाए अटक अटक, अत्ता माझी सटक सटक। बिना मुंह खोले एक लाइन बोल के दिखाओ। देखो भाई बिना मुंह खोले बोलना पॉसिबल तो नहीं है, बट गाना गा सकते हैं। Mm-hmm.
नहीं बोला जा रहा है। एक बार जॉनी जॉनी यस पापा वाला राइम गाओ। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग ए लाई नो पापा, ओपन योर माउथ। भाई आपका मुंह खरबूजा जैसा क्यों है, जरा विस्तार से बताओ प्लीज। खरबूजे जैसा है मेरा मुंह? मतलब कुछ भी बोलते रहते हो यार। हाँ तो खरबूजे जैसा इसलिए है क्योंकि मैंने बचपन में एक बार खरबूजा खा लिया था, तो शायद इसलिए होगा। और यार खरबूजा, मैं अभी रोते रोते याद है कि खरबूजा तो अच्छा होता है, अच्छा दिखता है। फिर मैंने सोचा कि रोना कैंसिल, और दैट्स व्हाई आई एम लाइक खरबूजा। भाई आप गांजा पीते हो क्या? आपकी आवाज से लगता है। गांजा पिया जाता है क्या? साला 2 महीने से मैं खा रहा हूँ, तभी मैं सोचूं माजी सटक क्यों नहीं रही है रे। नहीं यार मैं गांजा उंजा नहीं पीता, मेरी आवाज ही ऐसी है। एक्चुअली क्या है, मेरे अंदर एक कला है जिसकी वजह से मैं आवाज चेंज कर लेता हूँ। थैंक यू। भाई एक बात बताओ, जब कोई आपका पहली बार ऑटोग्राफ या सेल्फी लिया था तो आपको कैसा फील हुआ था? सच सच बताना। भाई देखो एकदम सच बता रहा हूँ, अभी तक मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के 7 लोग मिल चुके हैं, लेकिन मजा ले किसने सेल्फी लियो? नहीं भाई कोई नहीं लेता। मुझे कोई अगर 2-3 बार देख लेता ना, मैं पहले से ऐसे पाउट वाला मुंह बना लेता हूँ ताकि सेल्फी ले ले, लेकिन यार नहीं लेते यार, कोई नहीं लेता मेरे भाई। ले लिया करो यार, भाई भाई बोलते हो, भाई वाला काम तो किया करो, थोड़ा खुश हो जाऊंगा मैं भी। भाई इस बार कोई ओल्ड सॉन्ग सुना दो प्लीज। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, लूटो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, हम तो गए बाजार में लेने को आलू, हम तो गए बाजार में लेने को आलू, आलू वालू कुछ ना मिला, पीछे पड़ा भालू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, हम तो गए बाजार में लेने को रोटी, हम तो गए बाजार में लेने को रोटी, रोटी वोटी कुछ ना मिली, पीछे पड़ी मोटी। निंग 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 निंग। रे मामा रे मामा रे। भाई सुनील शेट्टी की आवाज में कमेंट्री करके दिखाओ। मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये होने सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो, ऐसे नहीं दूंगा। और हाँ इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मन करे तो फॉलो कर लेना। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे बिकने मन दुहा दे तू, अंगारों पे है अरमान। ओ बलमा ओ बलमा ओ बलमा।